सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी को आखिर कल देर रात्रि गिरफ्तारी हुई। अनिल देशमुख जी के गिरफ्तारी के बारे में मैंने कल ही ये कहा था कि जब वो स्वयं होकर ईडी के ऑफिस में आए हैं, इसका अर्थ सारे दरवाजे बंद हुए हैं, अब जाने को चारा नहीं है। जब जाने को चारा नहीं है तो गिरफ्तारी भी तय थी, तो गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी से महाराष्ट्र का और देश का भी सामाजिक और राजकीय जीवन बहुत टेंशन में आया है कि इस तरह के नेता को भी गिरफ्तारी होती है। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शब्द का उपयोग किया जीरो टॉलरेंस, मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा, इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में संजय राठौड़ जी का इस्तीफा हुआ, अनिल देशमुख जी का इस्तीफा भी हुआ, गिरफ्तारी हुई। जिस पोजीशन ने पूरे समाज को आश्वस्त करना है कि मैं हूँ, डोंट वरी, उस व्यक्ति को ही इस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति ने किसके पास देखना। अब महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में और भी बड़ी लिस्ट है कि जो अब इसी दिशा में जाने वाले हैं, तो कब तक उद्धव जी राह देखेंगे? इस प्रकार की टोली को लेकर सरकार चलाएंगे? उद्धव जी ने इस्तीफा देना, फिर हमको सरकार करने का मौका मिलना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। आई एम अ एक्टिविस्ट। मैंने जिंदगी के 13 साल विद्यार्थी परिषद के काम से समाज की सेवा करने में दिए है। मेरे जैसे लाखों लोग हैं कि जो अपनी जिंदगी का समय देते इस प्रकार की राज्य की स्थिति को अपनाने के लिए। इसलिए सरकार बनाना यह मकसद नहीं है। अंकुश शक्ति निर्माण होगी कि नहीं, उस अंकुश शक्ति को माननीय मोदी जी निर्माण कर रहे हैं। अपनी परंपरा में जब राजा राज्याभिषेक के लिए बैठता था सिंहासन पर, तब वो कहता था कि कोहम दंडास्मि, कोहम दंडास्मि, कोहम दंडास्मि, मुझे कौन दंड करने वाला है। तब ऋषि उसके सर पर एक दंडुका मारकर कहते थे कि हम दंडास्मि, अहम दंडास्मि, अहम दंडास्मि, अहम यानी समाज, ज्यादा होशियारी मत करो। आज राज्य की स्थिति ऐसी आई है कोहम दंडास्मि, समाज उनको कहेगा कि अहम दंडास्मि। माननीय मोदी जी को प्रणाम।